आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि व नारद जी की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य संसारिक मोह माया से मुक्ति पाता हुआ मानसिक शांति को प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भगवान विष्णु की माया किस प्रकार की है जो इस सारे संसार को मोहित करती है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, एक बार नारद जी भगवान नारायण के दर्शन करने श्वेत द्वीप में गए। श्री हरि के दर्शन कर नारद जी ने जिज्ञासावश उनसे पूछा, हे प्रभु, आपकी माया कैसी है, कहाँ रहती है, कृपा कर उसके दर्शन मुझे कराइए। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हे नारद, मेरी माया देखकर क्या करोगे, इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपकी माया देखने के अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, आप मुझे अपनी माया के दर्शन कराएं। और इस प्रकार नारद जी के बार बार आग्रह करने पर नारायण बोले, नारद जी, जैसी आपकी इच्छा, आइए अब आप हमारी माया देखें। ऐसा कहकर भगवान ने नारद जी की उंगली पकड़ी और श्वेत द्वीप से चल पड़े। मार्ग में भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और नारद जी को भी ब्राह्मण का रूप धरवा दिया और दोनों इस प्रकार ब्राह्मण रूप धरकर सर्वप्रथम वेत्रवती नदी के तट पर स्थित विदिशा नामक नगरी में पहुंचे। उस विदिशा नगरी में धन धान्य से संपन्न उद्यमी, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु पालन में तत्पर, कृषि कार्य को भली भांति करने वाला शीरभद्र नाम का एक वैश्य रहता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसके घर पहुँचे। अपने द्वार पर आए दो ब्राह्मणों को देखकर वैश्य ने उनका आदर सत्कार किया और फिर पूछा, यदि आप उचित समझें तो मेरे यहाँ अपनी रुचि के अनुसार अन्न का भोजन करें। वैश्य की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पोत्र प्राप्त हों और सभी व्यापार एवं खेती में तत्पर रहें, तुम्हारी खेती और पशु धन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े और शीघ्र ही गंगा के तट पर स्थित वेणिका नाम के गांव में पहुंच गए। उस गांव में गोस्वामी नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। शीघ्र ही वे उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा वह ब्राह्मण अपनी जीविका को लेकर चिंतित है। भगवान ने उस ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, अब हम तुम्हारे अतिथि हैं, भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। उन दोनों के वचन सुनकर ब्राह्मण ने उन्हें बिठाया और जैसे तैसे उनके भोजन की व्यवस्था की। भोजन करवाकर उन्हें सोने के लिए शैया दी।
प्रातःकाल उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुख पूर्वक रहे और अब जा रहे हैं, परमेश्वर करे तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि ना हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मार्ग में नारद जी ने पूछा, हे भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, किंतु उसको आपने उत्तम वर दिया। इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी सेवा की, किंतु उसको आपने आशीर्वाद के रूप में शाप दिया, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, हे नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है उतना ही एक दिन हल जोतने से होता है। वह शीरभद्र वैश्य अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है, वह नरक में जाएगा, इसलिए हमने ना तो उसके घर में विश्राम किया और ना ही भोजन किया, और इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिससे यह जग जंजाल में ना फंसकर मुक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार मार्ग में बातचीत करते हुए वे दोनों कान्यकुबज देश के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अतिशय सरोवर देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद, यह उत्तम तीर्थ स्थान है, इसमें स्नान करना चाहिए। स्नान कर हम दोनों कनौज नाम के नगर में चलेंगे। इतना कहकर भगवान उस सरोवर में स्नान कर शीघ्र ही बाहर आ गए। नारद जी भी स्नान करने के लिए सरोवर में गए। स्नान संपन्न कर जब वे बाहर निकले तब उन्होंने अपने आप को दिव्य कन्या के रूप में देखा। उस कन्या के विशाल नेत्र थे, चंद्रमा के समान मुख था, वह सर्वांग सुंदरी कन्या दिव्य शुभ लक्षणों से संपन्न थी, अपनी सुंदरता से संसार को मोहित कर रही थी। जिस प्रकार समुद्र से संपूर्ण रूप की निधान लक्ष्मी निकली थी, उसी प्रकार सरोवर से स्नान के बाद नारद जी स्त्री रूप में निकले। ऐसा कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वह स्त्री अपने झुंड से भ्रष्ट अकेली हिरणी की तरह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगी। उसी समय अपनी सेना के साथ राजा तालध्वज वहां आया और उस सुंदरी को देखकर सोचने लगा कि यह कोई देव स्त्री है या अप्सरा, और फिर बोला, हे बाले, तुम कौन हो, कहां से आई हो? उस कन्या ने कहा, मैं माता पिता से रहित और निराश्रय हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अब आपकी शरण में हूँ। इतना सुनते ही प्रसन्नचित हो राजा उसे घोड़े पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गया और विधि पूर्वक उससे विवाह कर लिया। 13वें वर्ष में वह गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर उससे एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसमें 50 छोटे छोटे दिव्य शरीर वाले युद्ध में कुशल बलशाली बालक थे। उसने उनको घृत कुंड में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पुत्र और पोत्रों की खूब वृद्धि हो गई। वे महान अहंकारी, परस्पर विरोधी और राज्य की कामना करने वाले थे। अनंत राज्य के लोभ से कौरव और पांडवों की तरह परस्पर युद्ध करके समुद्र की लहरों की भांति लड़ते हुए वे सभी नष्ट हो गए, और वह स्त्री अपने वंश का इस प्रकार संहार देखकर छाती पीटकर करुणा पूर्वक विलाप करती हुई मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा भी शोक से पीड़ित हो रोने लगा। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु वहां आए और राजा तथा रानी को उपदेश देने लगे।
और कहने लगे, यह विष्णु की माया है, तुम लोग व्यर्थ ही रो रहे हो। संपूर्ण प्राणियों की अंत में यही स्थिति होती है। विष्णु माया ही ऐसी है कि उसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इंद्र इसी तरह नष्ट कर दिए गए हैं, जैसे दीपक को प्रचंड वायु नष्ट कर देती है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, त्रिकुट पर्वत जिसका दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई थी, ऐसी लंका जिसकी राजधानी थी, राक्षस गण जिसके योद्धा थे, सभी शास्त्रों और वेदों को जानने वाले शुक्राचार्य जिसके लिए मंत्रणा करते थे, कुबेर के धन को भी जिसने जीत लिया था, ऐसा रावण भी देववश नष्ट हो गया। युद्ध में, घर में, पर्वत पर, अग्नि में, गुफा में अथवा समुद्र में कहीं भी कोई जाए, वह काल के कोप से नहीं बच सकता, भावी होकर ही रहती है। पाताल में जाए, इंद्रलोक में जाए, मेरु पर्वत पर चढ़ जाए, मंत्र, औषध, शस्त्र आदि से भी कितनी अपनी रक्षा करे, किंतु जो होना है वह होता ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मनुष्य के भाग्य अनुसार जो भी शुभ और अशुभ होना है वह अवश्य होता है। हजारों उपाय करने पर भी भावी किसी भी प्रकार नहीं टल सकती। कोई शोक विहल होकर आंसू टपकाता है, कोई रोता है तो कोई बड़ी प्रसन्नता से नाचता है, कोई मनोहर गीत गाता है, कोई धन के लिए अनेक उपाय करता है, इस तरह अनेक प्रकार के जाल की रचना करता रहता है। अतः यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणी वर्ग उस नाटक के पात्र हैं। इतना उपदेश देकर भगवान ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, नारद जी, तुमने विष्णु की माया देख ली, उठो अब स्नान कर अपने पुत्र पोत्रों को अर्घ देकर अर्घ देही कृत्य करो, यह माया विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। इतना कहकर उसी पुण्य तीर्थ में नारद जी को स्नान कराया। स्नान करते ही स्त्री रूप को छोड़कर नारद जी ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा ने भी अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ देखा कि जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दंड कमंडल लिए, वीणा धारण किए हुए खड़ाओं के ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि हैं। यह मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान नारद जी का हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से क्षण मात्र में श्वेत द्वीप में आ गए। भगवान ने नारद जी से कहा, देव ऋषि नारद, आपने मेरी माया देख ली। नारद जी के देखते देखते ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देव ऋषि नारद जी ने भी हंसकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा प्राप्त कर तीनों लोकों में घूमने लगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विष्णु माया का वर्णन किया है और जो मनुष्य श्री हरि के चरणों से अनुराग रखते हैं वे संसार में रहते हुए भी इस माया से मोहित नहीं होते और आंतरिक शांति को पाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।